हमारी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम है हर कदम आपके साथ। और कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज। हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में हम आपको सलाह देते हैं कि आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर निकलें तथा सर्दी से बचने के सभी साधन अपनाते रहें। आइए इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। शाहजहांपुर में आयोजित मीडिया कार्यशाला को संबोधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम ने बताया कि खसरा व रुबैला संचारी रोग हैं, जिन्हें MR वैक्सीन की दो खुराकों से नियमित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नियमित टीकाकरण में छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर 100% टीकाकरण कराने हेतु अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। 9 जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से मिजल्स और रुबैला की वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर PP श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए 387 टीमें गठित की गई हैं। देखिए, जो बच्चे छूटे हुए हैं तो अभी इनका हेडकाउंट सर्वे हो गया है, या विशेष टीकाकरण अभियान चला के जो सबका टीकाकरण करा जाएगा। इसमें हमारी 10 टीमें लगी हुई हैं और हमारे साथ में WHO से डॉक्टर कुमार रंजन जो SMO हैं, उन्होंने अपना विशेष योगदान दे करके ये लिस्ट बनवाई है। और डॉक्टर PP श्रीवास्तव जो हमारे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं, ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो भी इसमें कमियां हैं उनको दूर कराया जा रहा है। क्योंकि कुछ जगह हमारा हेडकाउंट सर्वे पूरी तरह नहीं हो पाया था, अब उसको पूर्ण कर लिया गया है और अब ये अभियान 9 तारीख से शुरू होगा। सर, कितने सत्र आयोजित किए जाएंगे, क्या लक्ष्य है इसका? 3092 का लक्ष्य है। इसको पूर्ण करने के लिए जो है करीब 10 टीमें बनाई गई हैं सत्र को पूरा। मीजल्स और रुबैला 5 साल के बच्चों तक जो है 3092 सत्र हैं, 387 टीमें इसमें कार्य करेंगी और इसको विशेष अभियान के रूप में पूर्ण करा जाएगा। आज किस तरीके से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? इस मीडिया कार्यशाला का उद्देश्य है कि जनपद शाहजहांपुर में नियमित टीकाकरण से जो बच्चे छूट गए हैं उन बच्चों को 100% टीकाकरण उनका किया जाए। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हम लोग जो नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे हैं उनका पूरे जनपद में सर्वे करा लिया गया है और उन बच्चों का कैसे टीकाकरण करना है इसका भी माइक्रो प्लान बना लिया गया है, वैक्सीन की व्यवस्था कर ली गई है। और 9 जनवरी, 13 फरवरी और 13 मार्च इन 3 माह हम लोग 15-15 दिन का विशेष टीकाकरण द्वारा पूरे जनपद में आयोजित करेंगे। और इन टीकाकरण के जो दिन है वो जो सामान्य टीकाकरण के दिन बुधवार और शनिवार है उनको छोड़ करके सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को टीकाकरण किया जाएगा। शाहजहांपुर के जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित नजारत एवं संग्रह अनुभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेखों के ठीक से रखरखाव ना होने तथा गंदगी व्याप्त होने पर फटकार लगाते हुए पत्रावलियों को ठीक से रखने के निर्देश दिए। इसी प्रकार संग्रह अनुभाग में तहसीलों से प्राप्त वसूली का विवरण वसूली रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के संग्रह अनुभाग व नजारत में लापरवाही बरतने पर कई कर्मचारियों के विरुद्ध नोटिस जारी करने का आदेश DM ने दिया।
जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में तक्षशिला पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ संवाद किया। जिलाधिकारी ने समय के बेहतर प्रबंध, आत्म अनुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कठिन परिश्रम द्वारा जीवन में सफल होने के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य का चयन क्षमता एवं रुचि के अनुसार किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस कार्य को करने में आत्मसंतुष्टि मिलती हो वही हमारे लिए सबसे बेहतर चयन होता है। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर लगातार क्रियाशील हैं। सभी से कोरोना वायरस से बचाव हेतु सावधानियां बरतने की अपील करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग मास्क लगाएं एवं हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। पांच जनवरी से चार जनवरी तक चलने वाला सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ आज परिवहन कार्यालय के परिसर में एडीएम एफआर त्रिभुवन ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व त्रिभुवन ने लोगों से अपील की कि वह यातायात नियमों का पालन करें। इस दौरान सहायक परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडे सहित कई अधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक, छात्र, एनसीसी कैंडिडेट उपस्थित रहे। शाहजहांपुर के रोजा जंक्शन स्टेशन के पास मालगाड़ी डिलेर हो गई। बताया जा रहा है कि रैकिंग पॉइंट पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर जनपद के एसएसपीजी कॉलेज से कॉमर्स विभाग के चार और राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद से एक शिक्षक नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में दिनांक 6 और 7 जनवरी को महात्मा बुद्ध की शिक्षा और वर्तमान प्रासंगिकता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एसएस कॉलेज के कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल को एक तकनीकी सत्र में की नोट स्पीकर के रूप में अपना वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित किया गया है। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए शाहजहांपुर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कुष्ठ आश्रम में जाकर गरीबों को एवं कुष्ठ रोगियों को कंबल वितरित किए। शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक विशेष बैठक निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खां की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड से समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी शिवप्रताप सिंह यादव को जिताने के लिए रणनीति बनाई गई। इस मौके पर बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड से सपा विधान परिषद के प्रत्याशी शिवप्रताप सिंह यादव ने सभी सम्मानित शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने सभी कार्यकर्ताओं से भारी मतों से शिवप्रताप सिंह यादव को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा व पूर्व विधायक राजेश यादव भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया कि जोश खरोश के साथ जुट जाएं और भारी मतों से सपा प्रत्याशी को विजयी बनाएं। रिसेंट न्यूज ब्यूरो शाहजहांपुर। शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील में स्थित कोलाघाट पुल पर पेंटून पुल की सीमा निर्धारित कर दी गई है। अशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि आगामी समय पर कई पर्व ऐसे आ रहे हैं जहां पर लोग स्नान इत्यादि करने के लिए आएंगे, जिससे कि वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से और मरम्मत के लिए इसकी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इसलिए 5 टन अधिकतम भार निर्धारित किया गया है, जिसमें छोटे वाहन प्रवेश कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 5 अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उपयोग में
चोरी की मोटरसाइकिल भी लेकर घूम रहे थे, जिसे बरामद किया गया है। आरोपियों ने बताया है कि अवैध तमंचे 5 से 7 हजार रुपए में तथा अवैध पिस्टल को 50 हजार से 1 लाख रुपए में बेचकर अधिक लाभ कमाते थे। थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम आकाश है और दूसरा इसमें हरीश और तीसरा मोहित। जो आकाश और हरीश हैं ये जेवर थाना क्षेत्र जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है वहाँ के रहने वाले हैं, और मोहित जो है ये ककोड़ थाना क्षेत्र ये बुलंदशहर का रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 5 अवैध तमंचे मिले हैं, और इसके साथ साथ इनसे 8 जो जिंदा कारतूस हैं वो भी बरामद हुए हैं। एक इनसे चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है, और ये जो पिस्टल जो सप्लाई करते थे इसमें जो पिस्टल का इनके पास जो डेट था ये 50 हजार से 1 लाख के बीच में इन पिस्टल की सप्लाई करते थे। एक इसमें 30 बोर का और एक जो 32 का जो पिस्टल है वो मिला है इनसे। जो पिस्टल्स की और इनकी हथियारों की जो सप्लाई है ये आसपास के जनपदों में करते थे, और हरियाणा में भी इन्होंने पिछले महीने कुछ पिस्टल सप्लाई किए हैं। तो इनसे और भी जो पूछताछ की गई है इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, जो और भी लोग इसमें जो शामिल हैं, क्योंकि ये अभी इनसे पूछताछ में ये पाया गया है कि ये बुलंदशहर से पिस्टल खरीद के और फिर अन्य जनपदों में और हरियाणा में सप्लाई करते थे। सर, जैसे निकाय चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए चुनाव में सप्लाई करने जा रहे थे? देखिए, ये चीज़ तो अभी प्रकाश में नहीं आई है, बट क्योंकि पुलिस पिकेट्स पे ये चेकिंग कर रहे थे तो उस दौरान ये पकड़े गए हैं, और इनसे जो पूछताछ में जो तथ्य आए हैं वो उनसे मैंने आपको अवगत कराया।